नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हो अन्वेषक न्यूज। मैं यहाँ पर एक वो वीडियो दिखाना चाहूँगा जो अभी वायरल हुआ था। इसमें आप देख सकते हो कि अन्वेषिका बहन एक हाथ में अपने दूध में बच्चों को लेकर और एक हाथ में नियमितीकरण की मांग का बैनर लिए चली जा रही है अपनी मंजिल की ओर सफलता प्राप्त करने के लिए। साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हमें सीख देना चाहिए शिक्षा। पूरे वीडियो को मैं विस्तार पूर्वक दिखाऊंगा यहाँ पर। साथियों, एक साथ कई समाचारों को, शिक्षा विभाग के कई समाचारों को दिखाना चाहूँगा। लेकिन छोटा सा निवेदन है आपसे, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट इस बहन के लिए ज़रूर करें। प्रत्येक अन्वेषक भाई बहन से मेरा करवद निवेदन है। चलिए साथी, शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो बिना किसी खराब आज के इस क्षेत्र में। वो सोच रहे हैं कि उन पर नज़र नहीं, वो सोच रहे हैं कि उन पर नज़र नहीं, मसरूफ हूँ ज़रूर पर बेखबर नहीं। ये साल नया खुशियाँ हर जिंदगी को दे, ये साल नया खुशियाँ हर जिंदगी को दे, ये साल लेकर आए कोई कहर नहीं है। इंसान ना इंसान का दुश्मन बने मजीद इंसान, घोले न फिजा में अब कोई जहर नहीं। साथियों, आपको यहाँ पर मैं पहला ये समाचार दिखा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अन्वेषकों की व्यवस्था खत्म कर दी है, इसलिए अन्वेषकों की सारी व्यवस्था का भार राज्य सरकार खुद उठा रही है। हमने किसी अन्वेषक की सेवाएं खत्म नहीं की, आने वाले समय में उनकी सेवाओं को कैसे जारी रखा जाए इस पर हम बेसिक शिक्षा विभाग से विचार करेंगे, यानी कि उनकी जॉब गारंटी के बारे में विचार करेंगे। ऐसा समाचार आप देख रहे हो, वायरल हो रहा है और साफ साफ कहा गया है। ये जो कि अन्वेषक मुख्यमंत्री संवाद हुआ था उस कार्यक्रम में, उन्होंने साफ साफ कहा था कि केंद्र ने अन्वेषकों की व्यवस्था खत्म कर दी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक सबूत के तौर पर राइट टू एजुकेशन के तहत जो ये जियो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य, कोई आपको हटा नहीं सकता, ये गलत फहमी में कोई भी ना रहे। मानदेय आ चुका है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा सिर्फ 7,000 रुपये अभी भी। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं निदेशक लीडर। 2,000 रुपया बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। इस सरकार ने 2019 में हमारा 1,470 रुपया मानदेय घटा करके आज 2,000 रुपया बढ़ा रहे हैं, यानी वास्तविक वृद्धि जो की गई है वो 530 रुपये की की गई है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। चुनाव आया है तो हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये लॉलीपॉप ले लीजिए, हम बच्चे हैं और चले आए। आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को आपका क्या जवाब होगा? अगर आगामी विधानसभा चुनाव में जो 2022 में होने वाला है, अगर सरकार अन्वेषकों को नियमितीकरण की घोषणा नहीं करती है, हमें नियमित नहीं करती है, तो पूरी तरीके से हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, चाहे वो जिस तरीके से। देखा आपने ये विरोध प्रदर्शन अन्वेषक के बीच, और इनके साथ विपक्ष भी खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, हर तरफ 2,000 रुपये अल्प मानदेय का विरोध हुआ है। और यहाँ पर आपको बताएंगे बहराइच से भी विरोध प्रदर्शन की आवाज़ें उठ रही हैं। विपक्ष एकदम अन्वेषकों के साथ है। कब होगी नई शिक्षा नीति लागू, कब होगा नियमितीकरण, वादे होंगे कब पूरे। मिलते हैं किसी और खास अपडेट के साथ शिक्षा विभाग न्यूज़ अन्वेषक न्यूज़ पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।